بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا اوتھے جا کے پڑھنی بڑی مشکل उथे अमला दी सख्त पुर चोल होवे उथे कम नहीं आरो सफार शादा सारा कम उथे तकड़ी तोल होवे ते हर एक दे सामने आ जाना ते जो जो मुंह बोले आ बोल होवे ओदे कोलो फरिश्तिया की पुछना खजाना तौहीद दा जिस दे कोल होवे हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह जल्ल शान हुदी जात अक्दस वास्ते है दरुदो सलाम इमाम नाफिद दुनिया बल आखिरा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते अक्दसो अतहरो आला और बाला वास्ते है। मेरे मोहतरम भाइयों अजीज खवातीनो हजरात कुरान पाक दी जड़ी आयत करीमा दा हिस्सा मैं इस वक्त तिलावत कर चुकिया हाँ। अल्लाह पाक ने सूरह मरियम अंदर इंसाना नू नबी अपने सोने दे उम्मतियां नू मर्दां नू और औरतां नू एक बहुत बड़े अमल की वजाहत का जिक्र किया। वो ऐसा अमल है जिहड़ा अमल बंदा अपनी जिंदगी अंदर ना करे तो उसकी जिंदगी फजूल है। उस अमल नू नमाज कहिंदे ने। नमाजी की अहमियत ते बेनमाज का अंजाम ये अल्लाह दे कुरान ने भी बयान किया है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहदीस ने भी बयान किया है। अब देखो रमजान का महीना है। इस रमजान के महीने के अंदर सिर्फ एक महीना नमाजा ने क्या एक महीना रुकू और सजूद ने ना मेरे मोहतरम भाइयो ये ऐसी अजीमो शान पैगंबर अलैहि सलातो सलाम वालों चीज अनायत की गई है। देखो नमाज ऐसा अमल है पूरे का पूरा जमदीन अल्लाह ने फर्श से नाजल किया है। अल्लाह ने जमीन से नाजल किया है। किधरे मेरे महबूब मक्का मुकरमा अंदर किते नबी अलैहि सलाम मदीना मुनव्वरा अंदर कुरान नाजल हो रमजान का महीना और जनाब रमजान के महीने अंदर अल्लाह पाक ने जड़िया आयात तो नाजल किया शान अंदर वो नाजल होइया फर्श ते ज़कात का हुक्म आया फर्श ते हज का हुक्म आया जमीन ते। मेरे मोहतरम भाइयों इसे तरह ही कुरान नू अल्लाह ने नाजल किया फर्श ते किते बदर अंदर हुक्म आया किधरे ओहद के अंदर किधरे खंदक के अंदर किधरे हुनैन के अंदर कुरान आया किधरे तबूक के अंदर किधरे मेरे मोहतरम भाइयों अल्लाह पाक ने मक्का और मदीना के चुरस्ते अंदर दीन नाजल किया। जदों नमाज की वारी आई
ते अल्लाह ने नमाज नू फर्श ते नाजल नहीं कीता बल्कि सोने नू अरश ते बुला के तोहफा दिता है। ये नमाज ऐसी चीज है और नबी मोहतरम रसूल मुअज्जम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे सोने महबूब पैगंबर ऐलान कीजिए मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीने ते कुरान आया है फरमाया फखालफा मिन बादहिम खल्फुन अज़ाउस्सलात। अल्लाह पाक फरमांदे ने जिन्ना लोगां ने ख्वाहिशात दे पीछे लग गए दुनिया दे पीछे लग के अपनी नफसानी ख्वाहिश दे पीछे लग के वत्तबाउश्शहवाती जिन्हां ने नमाज नू अपनी ख्वाहिशात दे पीछे लग के जाया कर दिता ते अल्लाह पाक फरमांदे ने फिर उन्हां दा अंजाम भी मेरे को सुन लो फसौफा यलकौना गईया फसौफा यलकौना गईया। अल्लाह पाक फरमांदे ने उन्हां नू अन करीब मैं गई वादी दे अंदर सुठांगा व गई वादी दे अंदर मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमांदे ने जहन्नम दी बड़ी दर्दनाक और बड़ी दर्दनाक दुनिया नू खबरदार करने वाली वादी गई है जिस दे अंदर इमामे तफसीर इब्ने कसीर दे अंदर सही सनद दे नाल हदीस मौजूद है। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने इस वादी दे अंदर चार तरह दे लोग जानगे अल्लाह चार तरह दे लोगां नू इस वादी दे अंदर सुठेगा ते वादी दी तारीफ की है गंदे रेशे वाली वादी गई गंदे खून ते पीप वाली वादी दा नाम गई है। आका फरमांदे ने लोगो पहले नंबर ते आप फरमांदे ने इस वादी दे अंदर अल्लाह ने बेनमाजा नू सुठना है पहला तबका ते पहला गिरोह ते पहले मुजरम बेनमाज बेनमाज मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद ते गल अगे करांगे ना सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जरा होर तरीके दे नाल मैं तुहानू समझांदा चला जावा। अल्लाह पाक फरमांदे ने लोगो दुनिया दे अंदर ए इतना बड़ा जुर्म है जिहड़ा पंज नमाजां तो कईआं दा सिर भारी हो जांदा नमाज दे वक्त लेकिन याद रखो अल्लाह पाक दे पाक पैगंबर ते कुरान आया कियामत दा दिन होएगा अल्लाह फरमान के ओ मेरे फरिश्ते हो वखुजूहो इन्हां नू पकड़ लवो पकड़ लवो पकड़ लवो। अल्लाह फरमांदे ने जदों इन्हां नू जहन्नम दे सबुर्द करन वास्ते ले जाया जाएगा ते अल्लाह पाक फरमांदे ने इन्हां नू इन्हां दे जुर्म दा इकरार करवा के ले जाया जाएगा। कुरान कहिंदा है अल्लाह पाक फरमांदे ने खुजूहुम वखुजूहुम पकड़ लवो फरिश्ते हो मगर इन्हां पहला इन्हां दे जुर्म दा इकरार करवाओ वा अकाम सलाता नमाज पढ़ो। अल्लाह पाक ने कुरान दे अंदर दुनिया दे अंदर पैगाम दिता है वा अकीम सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन नमाज पढ़ो ते मुशरक ना बनो। पता लगा जिहड़ा बंदा नमाज पढ़दा है इथो साबित होया ओ बंदा दुनिया अंदर असल मुआहिदे ते असली तौहीद परस्ते वला तकूनु मिनल मुशरिकीन ते मुशरक ना बनो। कल्ले कब्रां ते सजदे करन वाले मुशरक नहीं जिहड़ा नमाज नहीं पढ़दा वी मुशरक है ये कुरान कहिंदा है। और अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम दी हदीस है किताबुल इमाम दे अंदर आंदी है मेरे नबी फरमांदे ने क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह पाक दे अरश दे पाए दे करीब मैं सजदे गिर जावांगा ते अल्लाह पाक मैनूं कलमे सिखाएगा जिहड़े मैनूं आज याद नहीं लेकिन क़यामत वाले दिन मेरी सिफारिश चलेगी
قیامت والے دن ماں سوائے بے نماز تو میں ہر بندے دی سفارش کر دیاں گا مشرک تو بے نماز تو بدتی تو تین طبقیاں تو علاوہ میری ہر مومن دے اتے سفارش چلے گی لیکن تین بندیاں دی نبی پاک نے فرمایا میں سفارش بھی نہیں کرنی نمبر ایک مشرک دی نمبر دو بے نماز دی تے نمبر تین بدتی دی تے نبی پاک فرمان دے نے اللہ پاک نے قیامت دا دن قیم کی تیتے جنتی جنت دے اندر چلے جانگے جہنمی جہنم دے اندر چلے جانگے اللہ پاک نے پھر جنتیاں دا تے جہنمیاں دا مکالمہ قرآن پاک اندر بیان کی تیتے جنتی کی کہنگے فی جنات یتسالون اوے جنتی سوال کرنگے جہنمیاں دے کڑو ما سالا کا کم فی سکر اوے جسو جہنمیوں تو انو کیڑی چیز نے جہنم دے اندر لے کے آندائے کیڑی چیز جڑی تو انو جہنم دے اندر لے کے آئیے تے جہنمی کہنگے کالو لم نکو من المسلیم اسی دنیا تے نمازہ نہیں سا پڑھ دے تے اللہ پاک نے اجب سانو جہنم دے سپرد کر دیتا ہے اسی نمازہ نہیں سا پڑھ دے تے پکے بے نماز سا اسی دنیا اندر رہ کے جدو انسان دنیا تو جاندائے دنیا تو جا رہا ہندائے تے اللہ پاک فرمان دینے کلہ اذا بلغت ترا کیا اللہ پاک فرمان دینے وکیل من راک وزن ان خل فراک اللہ نے قرآن پاک دے اندر بندے دا دنیا تو جانا بیان کیتا ہے اللہ فرمان دینے والتفت ساق و بساق الارب بِكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقِ فَلَا صَدَّكَ وَلَا صَلَّى فَلَا صَدَّكَ فَلَا صَدَّكَ وَلَا صَلَّى ایک بندے دی جان حلق دے اندر پہنچ گئی ہے ایدر حکیم صاحب کھڑے نے ایدر ایدی مار ہو رہی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے نے فَلَوْلَا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذن تنظرون سارے لوگ جمانے سارے ویکھ رہنے چار چفیرے لوگ دے جمانے کوئی کہندا ہے میرا بھرا مینوں چھوڑ کے جا رہا وے باپ کہندا ہے پترا میری تے کمری تروڑ دیتی ہے ماں کہندی ہے بیٹا میری تے دنیا تے تو زندگی ہنیر کر دیتی ہے ایدہ پیشاب خانہ وی جناب دے جناب چار پائی تے ہو رہے آئے میرے نبی فرمان دے نے اے بندہ دنیا تو جاندہ پہ آئے بندہ دنیا تو جاندہ پہ آتے فلولا اذا بلغت الحلقوم تسی بیخ دے نہیں جے بندے دیا جدو بندے دی رو جدو حلقوم دے اندر آکے پھس دیئے میرے نبی فرمان دے نے جدو حلقوم دے اندر پھس دیئے کہ کہیں دے نے کنگڑو وجن لگ پہ آئے آقا فرمان دے نے اے بندہ دنیا تو جان والا کی کہیں دے فلا صدق ولا صلا اوے لوگو میں نو اینی تکلیف مرن لگے آتاں دی پئیے نا میں سچ بولدا ہندا سات میں کدی زندگی اندر نماز بھی نہیں سی بڑی آقا فرمان دے نے پہلی سزا دنیا دے اندر بے نماز نو مرن لگے آتی تی جان دیئے او دا دنیا تو جانا رب مشکل کر دیندائے اور صحیح حدیث میرے نبی دی میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمان دے نے قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا سارے انڑ پہلا اللہ حساب نماز دا شروع کرے گا اور آقا فرمان دے نے نماز دا حساب ہوئے گا تے بے نماز دا حساب بڑا مشکل کر دیتا جائے گا اور رب بھی کہیں دائے او دنیا کائنات والے ہو ایک جانور کسے انسان دی راکھی تے بے جاوے ایک کتے نو لالو تے کتا اپنی جناب اپنے ماں
मालिक दी जनाब कदी ना फरमानी नहीं करेगा। एक जनाब जानवर अपने मालिक दी जनाब बेवफाई नहीं करता। इंसान तू ऐसा इंसान है, अल्लाह फरमाते ने उलाई का कल अनाम बल हुम अजल उलाई का हुम गाफिलून। इंसान तू ते जानवरां नालों भी बदतर है। रब कहिंदा उलाई का कल अनाम, ओए तू ते जानवरां नालों भी गिरिया गुजरिया में। एक जानवर अपने मालिक दा दरवाजा नहीं छड़दा, तू रब दा दरवाजा छड़ के ते दर दर ते जाना में। मेरे महबूब पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है, हजरत सामूर बिन जंदर रजी अल्लाह तआला नु बयान करदे ने। जहाना दे पीर फरमांदे ने, जदों मैं आसमाना ते मैनू फरिश्ते लैके गया ते इक बंदा मैनू वेखे आए। इक बंदा ओदे जनाब सर दे उत्ते खड़ा है। आका फरमांदे ने ओह सर दे उत्ते खड़ा है ते इक भारी वजनी पत्थर लैके ते ओदे सर दे उत्ते पिया मारदा है। नबी पाक फरमांदे ने मैं पुछया जिबरील ए कौन है, फिर ओह जदों सर दे उत्ते पत्थर मारदा है ते ओदा सर जिहड़ा भस्म हो जांदा है, फिर ओह चुक के ओदे ते पत्थर मार दिंदा है। आका फरमांदे ने फिर सर भस्म हो जांदा है, फिर दुरुस्त हो जांदा है, फिर पत्थर मारदा है, फिर ओदा सर भस्म हो जांदा है ते फिर ओदा भेजा जिहड़ा वे बाहर निकल जांदा है। मैं पुछया जिबरील ए केड़ा बंदा है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नूं जिबरील कहिंदा सोहणे महबूबा ए ओ बंदा है जिहदा अजान सुन के ते सिर भारी हो जांदा सी। अजान सुन के सिर भारी होण वाला गिरोह वे। आका फरमांदे ने दुनिया दे अंदर अल्लाह ने ऐसा सार कबूल ही नहीं कीता ते आखरत अंदर रब ने सजा दे दित्ती है। जिहड़े अजान सुनदे सन ते कदी बहाने लाना शुरू कर देंदे सन, कदी कपड़े खराब दा बहाना लांदे सन, कदी जनाब कोई होर बहाना ला देंदे सन। मेरे पैगंबर फरमांदे ने ए ओ तबका है, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह फरमांदे ने फिर हुण ए कयामत दीआं दीवारां तक इन्हां नूं इहो ही अज़ाब दित्ता जाएगा। मेरे सोहणियो जे जिहड़ा बंदा अल्लाह रसूल नाल प्यार करन वाला हुंदा है। इक सही वाकिया मदीना मुनवरा दा सही जनाब सही सनद दे नाल, इक बंदा फौत हो गया, इक बंदा मदीना पाक दे अंदर दुनिया तो चला गया। जदों नूं दफन करन दा वक्त आया कब्रस्तान दे अंदर ओदी मैयत जनाजा पढ़न तो बाद लियांदी गई है। जदों नूं दफन करन दा वक्त आया एक बहुत बड़ा सांप कब्र विचों निकल के उस बंदे दे सीने ते चढ़ के बह गया वे। सारे बंदे दौड़ के पीछे हो गए, ओ ए की बन गया, ए की बन गया। ओदा बेटा परेशानी दी आलम दे अंदर दूर परा खड़ा हो गया। सारे बंदे कहिंदे ने ओ अल्लाह दे बंदे ए ते दस ना तेरे बाप दा की जुर्म ते केड़ा ऐसा गुनाह है जिदी वजह तो इनू रब ने सजा दित्ती है। ते ओदा पुत्तर बोल के कहिंदा मैं तुहानू की दसा, मैं अपने बाप नू बड़ा ए समल ते जोर देंदा सा लेकिन मेरे अब्बू ने कदी नमाज नहीं सी पढ़ी। मेरा बाप बेनमाज मर गया ते रब ने दुनिया तो जांदियां जांदियां लोगों के सामने इबरत का निशान बना के रख दिता। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहि सलाम फरमाते ने तीन तरह के तबके ने, तीन तरह के। पहला देखो ना अल्लाह पाक ने देखो, पहला तबका जड़ा नमाजा पढ़न वाला, दूसरा तबका नमाज ते पढ़दा लेकिन नमाज का उन्होंने सवाब नहीं लभदा, तीसरा गिरोह नमाज पढ़ता ही नहीं, नमाज नाल मुहब्बत ही नहीं, नमाज नाल मिसाल देना वा। वेखो ना बंदे नूं किसे नाल मुहब्बत होवे प्यार होवे, बंदा उहदा असली नाम छोड़ के ते अपने प्यार दे लहजे अंदर उहनूं बुलांदा है। जिस तरह नबी पाक अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा नूं प्यार नाल आयश भी कह के बुलाया करदे सन, प्यार नाल सुमैरा भी कह के बुलांदे सन। यानी कि बंदा जदों मुहब्बत अंदर आंदा अपनी चाहत दे मुताबिक अपनी लगन दे मुताबिक बंदा फिर
जिंदे नाल मुहब्बत होंदी है ते उहनूं प्यार नाल उहदा असली नाम छोड़ के बुलांदा ते अल्लाह पाक ने फरमाया मैनूं अपने रुकू ते सजदे करन वाले इन्ने पसंद ने मैं अपने नमाजियां नूं असली नाम छोड़ के ते प्यार नाल मोमिनून कह के बुला रहा हां मोमिनून कह के और तो मेरे वल मेरे और तुसां ते पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमांदे ने कद अफलहल मुमिनून फरमाया मोमन कामयाब हो गया मोमन अल्लाह दी जन्नत दे बाला खानिया दे मेहमान बन गया मोमन रब दी जन्नत दे परौने बन गया मोमन अल्लाह दे मेहमान बन गया अल्लाह सोणिया मोमन हुंदा कौणे इत्थे ते सहाबा नूं गालियां देण वाले भी मोमन सदावण इत्थे मेरी मां आयशा सिद्दीका ते बोतानबाजी करन वाले भी मोमन सदावण अल्लाह सोणिया तू दस ना मोमन हुंदा कौणे फरमाया ऐत पूरी अगे पढ़ो तवज्जो फरमाया कद अफलहल मुमिनून फरमाया अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन फरमाया मोमन असल अंदर हुंदा ही होवे जड़ा नमाज दे अंदर खुशू पैदा करे मोमन हुंदा ही होवे जड़ा नमाज अल्लाह कोलो डर के पढ़े आका फरमांदे ने नमाज इंज पढ़िया करो कि जिवें तुहानू रब देखदा पिया या ए तसव्वर पैदा ना होवे ते ए तसव्वर जरूर होना चाहीदा मैं रुकू करना पिया ते मेरा मालिक मेरे रुकू करन नू देखदा है मेरे पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन मेरे सोने हुण पता लगा नमाज हुंदी होवे जिहड़े इस नमाज अंदर अल्लाह दा डर पैदा कीता जाए असल अंदर रुकू हुंदा ही होवे जिस रुकू दे अंदर अल्लाह पाक दा डर पैदा हो जाए सोणिया नमाज नहीं हुंदी कि बंदा नमाज पढ़दा होवे ते ध्यान किते होर पासे गया होए ऐसियां नमाज़ां अल्लाह दे हां काबिले कबूल नहीं मेरे सोणियो अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और मेरे पैगंबर ने फरमाया और बेनमाज दे बारे पहला नमाज दी अहमियत सुन लो फिर बेनमाज दा मैं तज़किरा अगे करांगा बेनमाज दीआं गिरफ्तारियां दा जिक्र रब ने कुरान अंदर कीता मेरे सोणियो इहदी गिरफ्तारी दे वारंट दा जिक्र भी मेरे नबी दी हदीस ने कीता ओह भी सुनावांगा लेकिन नमाज दी अहमियत भी सुन लो अहमियत किन्नी है अल्लाह फरमांदे ने लोगो या अय्युहल्लज़ीना आमनु या अय्युहल्लज़ीना आमनु स्ताइनु बिस्सबर वस्सलात इन्नल्लाह मअस्साबिरी अल्लाह फरमाते ने लोगो मेरे को मोमिनो मदद तलब करो सबर दे जरिए ते नमाज दे जरिए पता लगा अल्लाह पाक बंदियां दी मदद करदा है नमाज दे जरिए जिन्ने नमाज नहीं पढ़नी ओदी रब वल्लों मदद भी आनी ओनू अल्लाह पाक दुनिया ते बेयारो मददगार ही छोड़ दिंदा है और मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आका फरमाते ने जदों दुनिया दे अंदर अल्लाह पाक ने मेनू महबूस कीता मैनू आखरी नबी बना के भेजिया मूसा नू अल्लाह ने दो दितियां कईआं नू रब ने तीन दितियां अल्लाह पाक ने मैनू अजीमो शान तोहफा नमाजां दा पंज नमाजां दितियां पंज नमाजां मेरे सोणियो ते अल्लाह दे महबूब पैगंबर फरमांदे ने जिहड़ा बंदा चाहुंदा है कि मैं दुनिया दे अंदर दुखां तों परेशानियां तों मेरा छुटकारा हासिल हो जाए अनु चाहीदा है कि पंज नमाजां दी पाबंदी करिया करे आका
फरमांदे ने जिहड़ा बंदा चार काम करदा है अल्लाह नूं बिन मंगिया दिंदा है। मेरे सुनियो, पहले नंबर ते आका फरमांदे ने जिहड़ा नमाज पढ़दा है नमाज दे जरिए अल्लाह बंदे दी मदद करदा है। नमाज पढ़न वाले नूं अल्लाह बिन मंगिया दिंदा जे, जोर पढ़न वाले नूं रब बिन मंगिया दिंदा है, असर ते मगरब ते फजर पढ़न वालिया नूं अल्लाह बिन मंगिया दिंदा है। जो मेरे पैगंबर नूं कोई तकलीफ आंदी ते आप फरमांदे बिलाल इंज कर अजान दे नमाज पढ़िए, क्योंकि नमाज पढ़िया सुकून मिलदा। मेरे सुनियो, सुकून मिलदा है ते मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने चंद इक खूबियां ते चंद नाल खामियां भी नमाजियां दियां बयान कीतियां ने। ए ते पहला गिरो ते दूसरा फवैलुल लिल मुसल्लीन, फरमाया वैल नमाजियां वास्ते। और सुनो 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 सुनो, वैल एक जहन्नम दे गड़े दा नाम है। अल्लाह पाक ने नमाजियां नू ऐसे नमाजियां ते लफ़ज बोलिया कुरान अंदर, वैल अल्लाह एक ही बन गया। अल्लाह फरमांदे ने लोगो वैल नमाजियां वास्ते। अब वेखो जहन्नम दे अंदर मैं तुहानू फजर पढ़दे जांदे वखावा, जोर पढ़दे जहन्नम दे अंदर जांदे पैने, असर ते मगरब ते शाह नमाजी बंदे जहन्नम दे अंदर दाखल कीते जा रहे ने। अल्लाह सुनिया की बन गया है, नमाजियां नूं ते जन्नत मिलनी चाहीदी है, नमाजियां नूं ते रब दे जन्नत दे मेहमान ते मकान मिलने चाहीदे ने। अल्लाह फरमांदे ने असल दे अंदर सारी आयत पढ़ो ते तुहानूं पता लग जाएगा, फवैलुल लिल मुसल्लीन, फरमाया वैल उन्हां वास्ते वे अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन, फरमाया वैल उन्हां नमाजियां वास्ते वे जिहड़े नमाजां पढ़दे ने ते नमाजां नूं ज़ाया करके पढ़ जांदे ने, नमाजां दे अंदर सुस्ती करदे ने उन्हां वास्ते वैल। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया वैल किन्ना वास्ते, हुण मैं हदीस दा चैप्टर खोला। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, एक बंदा मस्जिद दे अंदर आंदा है, उन्हें जल्दी जल्दी वुजू कीता, जल्दी जल्दी अजान धोता, जल्दी जल्दी फिर आके उन्हें नमाज नीत दीती, फिर उन्हें जल्दी जल्दी रुकू करना शुरू करता, फिर सजदे करदा ते आका फरमांदे ने ओ सजदे इंज करदा है जिवें कव्वा जमीन ते ठूंगे पिया मारदा है। आका फरमांदे ने इन्नी जल्दी ते काल नालों दी नमाज पढ़ी आसमान वल उठाई जांदी है। ओए लाहौरियो, गौर करना हुणे दी नमाज नाल की बन लगा है। आका फरमांदे ने अल्लाह दी रहमत ते आसमाना दा दरवाजा खुलदा ही कोई नहीं, खुलदा ही कोई नहीं। रब वालों पैगाम आंदा है, ओ जाओ जाओ इहदी नमाज नूं लै जाओ, मैनूं इस दी नमाज दी लोड़ ही कोई नहीं, लोड़ ही कोई नहीं। जिन्ने एवें कारवाई ते हाजरी पूरी करन दी खातर नमाज नूं पढ़िया, आका फरमांदे ने फिर इहदी नमाज दा रंग स्याह हो जांदा है। मेरे नबी फरमांदे ने फिर इहदी नमाज दे मूंह ते मारी जांदी है, लै फाड़ अपनी नमाज, जोर दे मूंह ते मारी जांदी है, फजर दे मूंह ते मारी जांदी है, असर ते मगरब दे मूंह ते मारी जांदी है, इशा दे मूंह ते मारी जांदी है, इशराक ते तहज्जुद दी नमाज इहदे मूंह ते चेहरे ते मारी जांदी है। फिर नमाज बंदे वास्ते बददुआ कर दी जे, ओए लाहौरियो, किसे नूं बददुआ दवे मां, किसे नूं बददुआ दवे बाप, किसे नूं बददुआ दवे दुनियादार, लेकिन आ वेखो तेरे सजदे तेनूं बददुआवां देंदे पैने, तेरे रुकू तेनूं बददुआवां देंदे पैने, तेरियां जनाब लंबियां लंबियां आ छोड़ियां होईयां दुनिया दीयां कहानियां इक सैड ते रब ने कर दियां ने। आ बंदे दीयां नमाजां बंदे नूं फसांदियां पईयां ने। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जे बंदे नूं नमाज बोल के कहिंदी है अल्लाह जिवें ने मैनूं खराब कीता है, अल्लाह तू वी इहनूं खराब कर दे, अल्लाह जिवें ने मेरियां कदरां नहीं कीतियां अल्लाह दीयां वी कदरां नूं खत्म कर दे, अल्लाह जिवें ने मेरी अहमियत नूं नहीं पहचानिया अल्लाह इसकी अहमियत नूं भी खत्म कर दे। फखालफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलात,
पाक फरमाया ऐसे नलायक लोग दुनिया अंदर मेरे जान तो बाद आणगे जिन्होंने अपनी ख्वाहिशां दे मगर लग के नमाजा नु छोड़ दिता फसौफा यलकौना गैया आका फरमांदे ने इन्हां नु जहन्नम दे गई गड़े दे अंदर फेंकिया जाएगा और अल्लाह दे महबूब पैगंबर फरमांदे ने बेनमाज नु 15 सजावां दित्तियां जांदियां ने 6 जिंदगी दे अंदर ते 3 मरण तो बाद और मेरे महबूब पैगंबर दी हदीस हजरत अली रजी अल्लाह तआला नु बयान करदे ने रावी हजरत अली ने पीर अब्दुल कादर जिलानी ने दुनिया तो तालिबीन दे अंदर इस हदीस नु नकल कीता बेनमाज बंदे नु 6 सजावां दुनिया ते 3 मरण तो बाद मिलन गियां आका फरमांदे ने पहली सजा बेनमाज नु केड़ी मिलन लगी है तवज्जो तवज्जो सुनियो अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने जिहड़ा बेनमाज बंदा होएगा बेनमाज बंदा अल्लाह बेनमाजां लोगां नु नेक लोगां दी फरिश्ते विचों निकाल दिंदा है बेनमाज बंदे नु नेकां बंदियां दी फरिश्ते विचों कढ दित्ता जांदा है आ पहली सजा मेरे सुनियो आमल ते नेक बंदियां विचों बेनमाज नु कढ दित्ता जांदा है और दूसरी सजा अल्लाह पाक बेनमाज बंदे दी जिंदगी विचों बरकत ही चुक लैंदा है बरकत ही चुक लैंदा है बंदा घर दे अंदर 5-10 बंदे कमाण वाले बाप भी कमांदा है ते 4 पुत्र भी कमांदे ने लेकिन पूरियां फिर भी नहीं पैंदियां मेरे सुनियो की वजह है बाप भी बेनमाज पहला पुत्र भी बेनमाज दूसरा पुत्र भी बेनमाज कॉलेज विच जाण वाला भी बेनमाज प्रोफेसर भी बेनमाज मास्टर भी बेनमाज अल्लाह ने इन्हां दे जनाब घर दे जनाब मालो दौलत विचों बरकत ही उठा ली है और तीसरी सजा मेरे तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमांदे ने अल्लाह उन्हां दे रिज़क विचों भी बरकत उठा लैंदा है जिहड़ा बंदा बेनमाज होवे उहदे रिज़क ते पैसियां विच भी बरकत नहीं पैंदी और चौथे नंबर ते आका फरमांदे ने अल्लाह पाक उन्हां दा कोई अमल कबूल ही नहीं करदा बेनमाज हाथ चुक के दुआ करे ते अल्लाह बेनमाज दी दुआ ही कबूल नहीं करदा और पंजवीं सजा आका फरमांदे ने अल्लाह सालेहीन लोगां विचों उन्हां दा हिस्सा खत्म कर दिंदा और छठी सजा जब तक नमाज दी तकमील नहीं करनगे अल्लाह पाक वल्लों उन्हां दा कोई अमल कबूल नहीं कीता जाएगा मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आका फरमांदे ने हुण 6 सजावां ते हुण बंदा बेनमाज मर गया दुनिया तो जान लगा है पहली सजा इहनूं मरदियां मरदियां केड़ी मिली है आका फरमांदे ने दुनिया तो मरन लग्या ते इहनूं इन्नी प्यास लग जाएगी बेनमाज नूं इतनी प्यास लग जाएगी बेनमाज नूं आका फरमांदे ने इतना अगर 7 दरियावां दा पाणी वी इहनूं पियाया जाए ते उह वी पाणी खतम कर देवे बेनमाज दुनिया तो जान लगे अल्लाह ने तू पहली सजा और दूसरी सजा आका फरमांदे ने बेनमाज नु अचानक मौत आंदी है अचानक मौत आएगी बेनमाज नु अल्लाह तौबा दी मोहलत नहीं देंदा अचानक मर जाएगा अचानक दुनिया तुच्छ दुनिया छोड़ के टुर जाएगा और तीसरी सजा मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमांदे ने बेनमाज नु मरन लग्या रब ओदी गर्दन नु लोहे दी बना देवेगा ओदी गर्दन नु भारी कर देवेगा जदों दुनिया तो जाएगा फिर अल्लाह कब्र दे अंदर भी 3 सजावां मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमांदे ने जदों बेनमाज जांदा है ते ओदी कब्र नु तंग कर दित्ता जांदा है बेनमाज दे उत्ते शैतान दियां ने अल्लाह दे महबूब पैगंबर फरमांदे ने किसे बुजुर्ग सुनियो आमिना दे लाल ने फरमाया जदों नेक बंदा जांदा है ओ दुनिया तो नमाजां पढ़न वाला ते उहनूं असर दा वक्त महसूस हुंदा है ते ओ फरिश्तियां नूं कहिंदा मैनूं असर दी नमाज पढ़ लैण दिओ बेनमाज जाएगा ते ओहदी कबर तंग ओहदे जनाब जिस्म नूं घुट देवेगी कबर आका फरमांदे ने फिर की होएगा कबर नूं जनाब अल्लाह तंग कर देवेगा ते दूसरी सजा अल्लाह कबर विच खंदेरा खंदेरा
कर देगा बेनमाज की कबर दे अंदर। तीसरी सजा अल्लाह पाक वालों इन्ना गुस्सा उसे आएगा। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने बंदे दे अमल दे जरिए दी कबर बनती है। अम्मा ऐशा फरमांदियां ने कि पीरो मुर्शद बार बार एहो ही दुआ करते हुंदे सन, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह मेरा हिसाब आसान कर दई, अल्लाह मेरा हिसाब किताब आसान कर दई। ते महबूब मैं पूछया महबूबा भला तुसी भी क्यों इंज दी दुआ कर दियो, अल्लाह ने तुहानू दुनिया के अंदर गुनाहां तो पाक पैदा किया है। मेरे नबी फरमांदे ने अल्लाह ने क़यामत वाले दिन एक एक जिंदगी दा एक एक हिस्से दा हिसाब लेना में एक एक मिनट दा रब ने हिसाब लेना है। ते मैं मुहम्मद भी दुआ करना वा अल्लाह मेरा भी हिसाब आसान कर दई। ते बेनमाज दा हिसाब बड़ा सख्त होएगा, जो बेनमाज दुनिया तो जाएगा अल्लाह उन्हें दोजख वल इंज करके बुलाएगा। मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने उन्हें बड़ा दुदकार दुदकार के उन्हें जहन्नम ले जाया जाएगा। मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर फरमांदे हुण कहिंदे ने नमाज पढ़न की लोड़ ही कोई नहीं, नमाज मौलवी पढ़ लैण या चार पांच बंदे इधर मस्जिद के स्पीकर विच अज़ान हुंदी पई है, उधर गाना चलता पिया इधर स्पीकर विच अज़ान हुंदी पई है, उधर फिल्मां चलण डईआं ने इह अज़ान हुंदी है ते थोड़ी जी उच्ची आवाज कर देंदा, फिर कहिंदा है इन्हां मौलवियां नूं की बन जांदा है, इधर आंदे ने ते स्पीकर ते इधर आंदे ने ते अज़ानां कहण लग जांदे ने, अरशां तों आवाज़ आंदी है ओए कर कर गल्लां जिन्नियां तेरे कोल कीतीआं जांदीआं ने। अज मस्जिद दे स्पीकरां दीआं अज़ानां तैनूं चंगीआं नहीं लगदीआं, कल इहो ही स्पीकर होएगा इसे स्पीकर दे अंदरों तेरे जनाजे दा ऐलान ना करवावां ते मैनूं रब किन्ने कहणा। मैं मेरे सुणियो मौलाना अब्दुल हलीम साहब साहब कैद रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस जामिया मुहम्मदिया उकाड़े दे गुजरे ने, फरमांदे ने कि बड़ी सही सनद दे नाल एक बंदा दो एक बंदा सी जिहड़ा कबरां दा कारोबार करिया करदा सी, उह कबरां खोदणा ही उहदा कम सी। ते उह बंदा कबरां खोदण वाला कहिंदा जनाब एक दिन दो कबरां खोदण दा मेरे कोल आर्डर आया है, मैं दोवें कबरां खोद लईआं, सखत गर्मी दा मौसम है, हुण मैं कबरां खोद के ते कबरां दे उत्ते बह गया वां कब्रस्तान दे अंदर, जनाजे आउण दे अंदर चार पांच घंटे बाकी ने, मैं सोचिया कि मैं इत्थे बह के की करां, सजणे थंदा मैनूं नींद भी आ गई है थोड़ी थोड़ी, दो तीन घंटे गुजरन तो बाद मैं सजे खब्बे नजर मारी ते कब्रस्तान दे अंदर को मैनूं साया भी नजर नहीं आया, मैनूं कोई था साया को दरखत नजर नहीं आया, जिदे नीचे जाके ते मैं आराम कर ला। कहिंदा मौलाना मैं उत्थों जनाब उठिया ते मैं वेखिया ते मैनूं कबर दी सामी दे अंदर कुछ थोड़ा जिहा साया नजर आया, मैं कबर दी सामी दे अंदर लेट गया, मैं सोचिया ना दोनों कबरां विचों इस कबर दे अंदर थोड़ा जिहा साया मौजूद है, ते चलो मैं जिन्नी देर जनाजे नहीं आंदे मैं उन्नी देर मैं थोड़ा कु कबर दी सामी दे अंदर आराम कर लैंदा। ते कहिंदा मौलाना जदों मैं कबर दी सामी अंदर जाके लेटिया हले मेरी लेटण दी देर है मैनूं इंज उस कबर विच महसूस होया जिवें अग ही अग आ जांदी है कबर अंदर, मैं फौरन घबरा के उठिया, एक ही मसला बन गया मेरे नाल, एक ही मामला मेरे नाल बन गया। कहिंदा कि मैं उस कबर विचों निकल के ते नाल दी कबर विच लेट गया वां, ते जदों मैं दूसरी कबर दे अंदर लेट आवां ते मैनूं इंज दी सुकून दी नींद आई है, इंज दी सुकून दी नींद आई है कि जिवें मैं मां दी गोद दे अंदर आराम कर रहा वां। इन्नी देर नूं इक बहुत बड़ा जनाजा आया है, बंदा भी जनाब बड़ा बड़ा लग रहा वे, ते जनाब उन्होंने आके उस कबर का इंतखाब किया है। वह कहिंदे ने जिहड़ा बंदा पहला जनाजा आया वह मेरे कोल पुछण लग पिया असी अपना मुर्दा दफन कहड़ी कबर दे अंदर करिए, मैं कहा दो कबर ने जिहड़ी तुहानूं पसंद लगती है कर दिओ दफन। ते फिर कहिंदा मौलाना उन्होंने उस कबर का इंतखाब किया है जिस कबर दे अंदर मैनू अग अग महसूस हुई है। फिर दूसरा एक जनाजा आया, बंदा भी इतना बड़ा कोई नहीं, बस थोड़े जे बंदे ने जनाजे दे उन्होंने उस कबर दे अंदर अपना मुर्दा ते अपनी मैयत उतार दी है, हले जनाब मट्टी पा के कबर नूं बराबर
बराबर पे कर देने ते मैं एक जनाजे विच पुछया जिस कबर दे अंदर मैनूं सकून महसूस होया सी उस कबर दे अंदर उस बंदे नूं दफन कीता गया। मैं कहा अल्लाह दे ओ बंदेओ एक नूं पुछया सोणिया ए बंदा कौन है जिहड़ा दुनिया तों गया है ते जिहनूं दफन करन वास्ते आए हो। कहिंदे ने जनाबे बंदा इन्ना अमीर कोई नहीं सी ना इहनूं खाण नूं कदी एक दिन दी एक डंग दी लभ जाणी ते ने शुक्र कर लैणा ए इतना माड़ा जरूर है इतना गरीब जरूर सी लेकिन अल्लाह दे घर मस्जिद दे नाले दा बड़ा प्यार सी। ते मौलाना मैं सोच लिया जिहड़ा अल्लाह दे घर दे नाल प्यार करदा है अल्लाह ओहदे घर दे ओहदी आखरत ते कबर नूं ठंडियां कर दिंदा है अल्लाह ओहदी आखरत दा मामला आसान कर दिंदा है। फरमाया वैलुल लिल मुसल्लीन वैल नमाजियां वास्ते वैल नमाजियां वास्ते। नबी पाक फरमांदे ने कुछ नमाजी नमाज पढ़दियां गलतियां करदे ने ओ गलतियां केड़ियां ने? आका फरमांदे ने कई ते काल नाल नमाज उंजे ही पढ़ना शुरू कर देंदे ने ते कई नमाज इंज दी पढ़दे ने कि नमाज नूं जाया करके टुर जांदे ने। मेरे पैगंबर ने दो तीन गलतियां बेनम नमाजियां दियां वी गिणाईयां। आका फरमांदे ने नमाज दे अंदर सार वाली जगह ते सजदे वाली जगह ते नजर रखनी है। किथे नजर रखनी है? ते साडे भरा पता करदे ने, आ वेखो अल्लाहु अकबर, कोई इधर सज्जे वेखण लग पैंदा, कोई खब्बे मसीह ते इश्तिहार किने लगे ने, कोई दाढ़ी खुरकण लग पवेगा। नबी पाक ने फरमाया नमाज दे अंदर अपना ध्यान किथे रखना वे? सजदे वाली जगह ते। साडे च कमी है कि नहीं? अल्लाह जानदा वापी सुन्नी छड्डो तुसीं अहले हदीस भी बेंदे जे सजे खब्बे अहले सुन्नत भी बेंदे ने दियो मसलक ते फिरके नाल नहीं तलक नबी दी हदीस ते गौर करो। नमाज दे विच सजे खब्बणे वेखणा कोई नहीं। आका फरमांदे ने उहनां दीआं अक्खां ही रब खत्म कर देवे करीब है ते अल्लाह दे नबी फरमांदे ने नमाज दे अंदर इमाम दे पिछे ओह बंदा खलोवे जिहड़ा जमात कराण जोगा है। हज़रत उमर दुनिया तों जा रहे ने ते नमाज हालत दे अंदर हजरत उमर ते हमला होया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ अगे बड़े जमात मुकम्मल करवाई गए ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम भुल जावे ते इमाम दे पिछों की कहना वे? इमाम भुल जाए ते की कहना? सुभान अल्लाह। दुआ करो अल्लाह ए अकीदा इना को सानू इलम लैण दी तौफीक दे। साडे इलाके मौलाना साहब भुल गए, मौली साहब आद पढ़ते पढ़ते भुल गया नमाज दे विच ते पिछे बाबे खलोते सन है नमाजी सन लेकिन बेचारियां नूं इन्ना कुछ सेंस नहीं सी मौलवी हरी भुल जाण के मौली हरां लुकमा की देना ते पिछे बुजुर्ग सारे खड़े ने ते इमाम साहब आद भुल गया ते बाबर बाबे हरी दो चार बुजुर्ग सन वह पिछो करन ऊ हू भी तू भुल गया भी इन्ना पता नहीं भी सुभान अल्लाह कही दी है। ये इलम ते हुंदा ना इलमदार आलमे दीन उलमा दे कोलों। फिर मौली साहब ने आयत फिर पढ़ी ते बुजुर्ग ओ आयत फिर उत्थों गलत हो गई ते बाबेरी पिछू कहण ओ हो भी तू भुल गया ते तीजी वार आयत उहने सोहणी पढ़ ली ते बाब बुजुर्ग सारे बोल के कहिंदे ने आह आह मतलब हुण तू सही पढ़ ली ते मेरे सोहणियो इन्ना कु ते इलम होना चाहीदा इमाम भुल जावे ते इमाम नूं लुकमा सुभान अल्लाह दा देणा इमामे अबू हनीफा भुल जानते सुबहान अल्लाह जे इमामे शाफी भुल जानते सुबहान अल्लाह इमामे अहमद बिन हंबल भुल जान सुबहान अल्लाह ते नमाज़ां उंज दियां ही कबूल होणगियां। तीसरा गिरोह जिहड़ा चंगा गिरोह होए ओए नमाज़ां ओ कबूल होणगियां जिहदे उत्ते मोहर मेरे नबी दी लगी होएगी। मेरे नबी फरमांदे ने सल्लू कमा रही तो मुनी उसल्ली नमाज़ां उंज पढ़ो जिवें मैं मुहम्मद नूं पढ़दियां देखे आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जे नहीं समझ आंदी ते मैं तुहानूं इक वाकिया सुणावां। मेरे नबी मक्का पाक अंदर मसरूफ ने और काबातुल्ला दे जनाब वेड़े अंदर मौजूद ने। मेरे नबी बैतुल्ला दे अंदर दाखल होना चाहते ने। एक बंदा आया उन्हें मेरे नबी नूं बाजू तों पकड़ के पीछे कर दिता है। आप फरमांदे ने ओए उस्मान बिन तला ओए ते
तेनू की बन के आए। कहिंदा ना ना मुहम्मद जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुहानू बैतुल्लाह दे अंदर दाखल नहीं होण दवांगा। आज रस्तियां नल वाकया सुनियो जो मेरे सुनियो। आखे वजह की है, आखे वजह इको ही है कि तुसी अल्लाह दे नबी होण दा दावा कीता है, तुसा मजहबी अलग जनाब शुरू कर लिया ते नहीं दाखल होण देना। ते मेरे नबी ने पशीन गोई दित्ती लाहौरियो, रमजान ते दूसरे जुम्मे दी पशीन गोई नबी दी सुनो। आ फरमांदे ने उस्मान बिन तला, एक वक्त आएगा कि मैं बैतुल्लाह दियां चाबियां तेरे कोलों खुद वसूल करांगा। फिर मेरे नबी ते वक्त आया, आप मक्का मुकरमा अंदर जनाब फाते बन के ना आप तशरीफ ले आए ने। जदों बैतुल्लाह दे सेन दे अंदर मेरे नबी पहुंचे ने, सामने उस्मान बिन तला नजर आंदा है। आ फरमांदे ने उस्मान बिन तला, लिया ना बैतुल्लाह दियां चाबियां। ते उस्मान बिन तला नाले मेरे मुहम्मद नु बैतुल्लाह दियां चाबियां पकड़ा रहे है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाल जुबान चो कहिंदा अशहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा पढ़िया एक पशीन गोई नबी पाक दी देख के ते मुसलमान हो गया। हुण जनाब सारे सहाबा एक दूसरे नाल गल कर रहे ने, बैतुल्लाह दियां चाबियां अबू बकर नु दित्तियां जाण गईयां। कोई कहिंदा नहीं नहीं, उमर बहादुर है, बैतुल्लाह दी खादमियत उमर नु दित्ती जाएगी। इतनी देर नु मेरे पैगंबर दे उत्ते कुरान आ गया है, कुरान आ गया मेरे सोने। अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लाहा यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात, सोनिया अमानत वालियां नु अमानत वापस कर दियो। मैं तुहानू अल्लाह पाक पैगाम दे रहा। उस्मान बिन तला रो रहा, फरमांदे ने उस्मान रोना क्या, इधर आ चाबियां पकड़, अगे तेनू चाबियां जनाब किसे मुशरक ने बैतुल्लाह दियां दित्तियां होण गियां। आ मैं अज चाबियां तेनू बाहसियत अल्लाह दा नबी देंदा पियावां। अगे किसे काफर ने बैतुल्लाह दियां चाबियां तेनू दित्तियां सन, ते हुण मैं अल्लाह दा नबी तेनू बैतुल्लाह दियां चाबियां खुद दे रहा, ते दो पशीन गोईयां देना पियावां। उस्मान गल सुनना, आ बैतुल्लाह दियां चाबियां लै जा, ए सारी जिंदगी बैतुल्लाह दी खादमियत तेरे कोल रवेगी, तेरे कोल रवेगी। और दूसरे नंबर ते मेरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दूसरी पशीन कोई दे नवा रहिंदी दुनिया तक कयामत तक वास्ते, बैतुल्लाह दियां चाबियां तेरे खानदान बनू तमीम दे अंदर ही रहणगियां, बनू तमीम दे अंदर ही कयामत तक वास्ते चाबियां रहणगियां। ते तीसरी तीसरी जिहड़ी मेरे मौजू दे नाल अटैच है, तीसरी खुशखबरी, तीसरी खुशखबरी ये वे कि उस्मान बिन तला जिहड़ा मैं मजहब ते मैं अकीदा छोड़ के जाना पियावां, जिहड़ा मैं मुहम्मद दा अकीदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत तक वास्ते अल्लाह एहो ही अकीदा तेरे बनू तमीम खानदान दे अंदर सलामत रखेगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अकीदा बनू तमीम दे कोल। और आप फरमांदे ने चौथी पशीन गोई सुन, उस्मान बिन तला जिहड़ा क़यामत तक वास्ते मजहब ते गिरोह हक ते होएगा, ओ बनू तमीम दा हक ते होएगा, जिहड़ा ईसा बिन मरियम नाल मिलके ते दज्जाल नू कतल करेगा। सैयद सत्तैन शानक वी हाफिज़ाहुल्ला फरमांदे ने, मैं गया मक्का मुकरमा अंदर, मैं गया जरा देखा ते सही अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमा गया कि जिहड़ा मजहब ते जिहड़ा जनाब गिरोह हक ते होएगा, ओ बनू तमीम वाला होएगा। फरमांदे ने मैं मक्का मुकरमा अंदर दाखिल होया मां, ते मैं उत्थे जाके उन्हां बंदियां विचों उस बंदे नूं लभणा शुरू कर दिता जिहदे कोल बैतुल्लाह दियां चाबियां ने। ते मैं गया वां, ते मैनूं थोड़ी बहुत जिहड़ी अरबी जाणदे ने साडे
سارے علماء ماشاءاللہ تے میں جا کے اس دفتر نو لب لیا جس دفتر دے اندر او بندہ بیندا جیہدے کول بیت اللہ دیاں چابیاں نے تے میں جا کے سامنے کھڑا ہو گیا واں ہلے میں اونوں پوچھن لگا تے سامنے ایت لکھی ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانہ سنیا میں تینوں حکم دینا واں کہ بیت اللہ دیاں چابیاں عثمان بن طلحہ نو واپس کر دیجئے شاہ جی فرماندے نے میری آنکھیاں ڈل پئیاں میں اس بندے نے میرے کول بول میں انو بجناب ملیا جدو ملاقات ہوئی تے کہندا جناب میں بنو تمیم دائی بندہ واں جنہاں نو اللہ دے نبی بیت اللہ دیاں چابیاں دے گئے نے تے فرماندے نے ہن میں بندے دے پیچھے پیچھے آں اے نماز پڑھے گا تے کنج پڑھے گا اے رکوع کرے گا کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے بنو تمیم والے قیامت تک واسطے حق دے ہون گے بنو تمیم کول نمازاں اونج دیاں ہون گیاں جویں دیاں میں محمد چھوڑ کے گیا واں صلی اللہ علیہ وسلم شاہ جی فرماندے نے میں پیچھے پیچھے گیا واں او بنو تمیم دے اس بندے نے جدے کول بیت اللہ دیاں چابیاں نے اونے انج کر کے ہاتھ بلند کر کے رفع یدین کر کے تے ہاتھ سینے تے بن لینے تے شاہ جی فرماندے نے میں رون لگ پیا واں ساڈے اندر 100 غلطیاں ہون گیاں پھر اونے رفع یدین کر کے رکوع کیتا رفع یدین تو اٹھیا تیسری رکعت اندر پھر میرے نبی دی سنت دے مطابق کوئی کسے نو تانا تے میڑا نہیں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا آ ممبر جڑا وے نبی پاک دی امانت تے آج بھی اس دنیا تے او گروہ موجود ہے جڑا نبی پاک دی سنت دے مطابق نمازاں پڑھدا ہے لوگو گل سنو گل سنو میرے مابو پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جڑی نماز میرے دین تے عقیدے نال ملے گی او نماز پاس کر دیتی جائے گی قیامت والے دن ایسے بے نمازاں نو جہنم دے اندر سٹیا جائے گا اور میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت دا دن ہے ہن اللہ دے دربار اندر لوگ آئے نے آ فرماندے نے معاشر دے دن میں آپ نے فرمایا میں اپنے امتیاں نو پنج کلیان جنہاں دے چمک دے ہون گے تے انہاں نو میں پہچاناں گا میرے نبی فرماندے نے حوض کوثر دا وی پانی انہاں نو ملے گا جڑے نمازی پانچ ٹائم دے ہون گے اسکل الصلاۃ للمنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء آقا فرماندے نے فجر تے عشاء دے وقت منافقاں دا سر بھاری ہونا شروع ہو جاندا ہے تے میرے نبی فرماندے نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ مسلمان تے کافر دے درمیان فرق نماز دا ہے میرے نبی فرماندے نے جنہیں 40 دن دیاں نمازاں امام دے پیچھے پڑھیاں جماعت دے نال اللہ او دے دل وچوں نفاق نو ختم کر دیندا ہے اللہ او دے دل وچوں منافقت ختم کر دیندا ہے اور میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ مسجد دے اندر آندا ہے مسجد دے اندر آ کے تے دو رکعت تحیت المسجد ادا کردا ہے اللہ پاک او دے اوتے وی جہنم دی اگ حرام کر دیندا ہے اور میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ مسجد اندر آ کے نوافل ادا کردا ہے اللہ پاک او دے اوتے بھی راضی ہو جاندا ہے ہن قیامت دا دن ہے اللہ پاک ہن نمازیاں بندیاں نو عطا کی کرن لگا ہے تو جو والی من خاف مقام ربی جنتان فبی ای آلہ ربکما تکذبان آقا فرماندے نے جڑا بندہ رب دے سامنے ڈر گیا اللہ انہوں دو جنتاں تا کرے گا اور یاد رکھو قیامت والے دن جڑے نمازی ہون گے اللہ انہاں نو رکوع تے سجدہ کرن دا حکم دے گا آقا فرماندے نے چھانٹی قیامت والے دن وجے گی آپ فرماندے نے جنہاں نمازاں پڑھیاں ہون گیاں وہ فوراً سجدے پہ جان گے وہ فوراً رکوع پہ جان گے جڑے بے نماز ہون گے نہ رکوع کر سکن گے تے نہ سجدہ کر سکن گے قیامت والے دن تے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے آپ نے فرمایا بے نماز بندہ جڑا ہوئے گا اونوں عرش دا سایہ وی ملنا کوئی نہیں اور بے نماز آپ فرماندے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مشہور ہوئے تے 100 اونٹاں دی قطار ہوئے تے پہلے اونٹ دی میں نکیل پکڑدا ہوں
ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਆਖਰੀ ਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਕਾ ਫਰਮਾ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਕੜ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਊਂਟ ਦੀ ਨਕੇਲ ਵੀ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਫ਼ਨ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਓ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਕ ਏ ਮੁਸ਼ਰਕ ਬੈਨਲ ਅਬਦ ਵ ਬੈਨਲ ਕੁਫਰ ਤਰਕ ਸਲਾਤ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕਾਫਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਖਤਲਾਫ ਏ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੱਕ ਉਹ ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੱਕ ਮਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਜਨਾਬ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਊਂਠ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਕਵੇਗਾ ਓਏ ਟੁਰ ਜੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੱਕ ਮਾਲ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੱਕ ਮਾਲ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਹੱਕ ਮਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਣੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਆ ਇੱਕ ਬਦਬਖਤ ਆ ਗਿਆ ਈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਹੱਕ ਮਾਲ ਖਾਧਾ ਈ, ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਈ ਜਿਹਨੇ ਯਤੀਮਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਰਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦਫ਼ਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੱਕ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਹਰਾਮ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਏ ਲੇਕਿਨ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੱਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤੌਗ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਪਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੁਲਾਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਖਾਧੇ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣੇ ਉਰਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਇੰਜ ਕਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਰਵੇਗੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਰਵੇਗੀ, ਇੰਜ ਕਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਦੇ। ਓਏ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਤੂੰ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ 10 ਮਰਲੇ ਦੀ ਜਹੰਨਮ ਖਰੀਦ ਲਈਏ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ 20 ਮਰਲੇ ਦੀ ਜਹੰਨਮ ਖਰੀਦ ਲਈਏ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ 2 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਜਹੰਨਮ ਖਰੀਦ ਲਈਏ। ਲਓ ਆਖਰੀ ਹਦੀਸ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ 3 ਨਾਕਾਮ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਸਲਾਤੁ ਲਵਕਤਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਕਤ ਤੇ ਪੜਦਾ ਏ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾਵੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਚ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਮੋਮਿਨੋ ਤੁਮੇ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੜਤੇ ਰਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਤੋ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਨੂਰ ਹੈ,
कहिंदा जनाब मेरा रंग चिट्टा नहीं हुंदा, करीमा मरदा फिरदा। मैं कहिंदा जवाना करीमा लिया, दस लिया, पंद्रह लिया, उन्हां दा आटा बना के ते अपने मुंह ते मल लैना। वह दुनिया की किसे करीम अंदर ओ हुसन नहीं जिहड़ा अल्लाह ने वुज़ू दे पानी अंदर हुसन रखे है। वह चेहरे का हुसन जाना, फजर पढ़, जोर पढ़, असर पढ़, मगर पढ़, शाह पढ़, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है, जो पढ़ते नहीं नमाज तो अपना कसूर है। ओ जिस रोज तख्त पे बैठेगा किबरिया, मारे शर्म के तुम आएगी हया, मारे शर्म के तुम सर को झुकाओगे, जन्नत तो क्या मिलेगी जहन्नम में जाओगे। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने ए तीन बंदे, तीन बंदे, मैं दो मिनटां अंदर गल खत्म करा। एक तीन एक ते दुनिया तो जान वाला बेनमाज जिन्ना ना रब कलाम नहीं करेगा, दूसरा बंदा नबी पाक फरमांदे ने, दूसरा बंदा तवज्जो मेरे वल, तवज्जो मेरे वल, लोरियो तवज्जो मेरे वल, जेड़ा बंदा किसे दे माल ते ना हक कब्जा करदा है ओ भी अल्लाह पाक दे दरबार च जाएगा, ते अल्लाह ओदे नाल भी कलाम नहीं करेगा, ओदे नाल भी रब कलाम नहीं करेगा। ये भैणा का हिस्सा खाई जांदा है। ये जनाब ऐसा सोहना भरा दे नमाजा भी पांच पढ़ता है, भैणा नूं भी हिस्सा देंदा कोई नहीं, धीआं नूं भी हिस्सा। याद रखो जिन्हें बाप ने अपनिया बेटिया हिस्सा ना दिता, वह क्यामत वाले दिन बाप टंगया जाएगा। मैं पंजाबी च तर्जमा करा, वह बाप क्यामत नूं रब ने फड़ लेना जे, उस भरा नूं अल्लाह ने क्यामत वाले दिन पकड़ लेना है। और तीसरे नंबर ते जिन्ना नाल रब कलाम नहीं करेगा, आका फरमांदे ने सूद खोर होणगे, किहड़े होणगे मुसलमानों, बोलो केड़े होणगे। साढ़े मुसलमान तो सूद नहीं ना खाते, क्यों जी? मैं आखिरी हदीस है, मैं फिर इंशाल्लाह खुतबा दूसरा देने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने जिन्हें सूद खाधा है उन्हें रब नाल जंग की है, जिन्हें सूद खाया उन्हें रब नाल जंग की है। तो मैनू ये दसो अज साढ़े मुसलमान सूद खाते ने कि नहीं? फिर आंदे ने अल्लाह दियां रहमतां नहीं होंदियां, फिर कहिंदे ने अल्लाह बरकतां दा, ओ मुंह तेरा मेरा इंज दा नहीं कि सेरे मेरे मुंह ते रब रहम कर दबे। हला हला जानदा पंज वक्त दे नमाजी सूद खांदे, मैं वखाना वा, मैं वखाना सूद खांदे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद लैण देण वाला बंदा गवाह बन वाला तीने चारे लानती ने, लानती ने किन्ने कहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते मैं अल्लाह दी कसम उठा के कहना ऐसे नमाजियां नू मैं जानना जिन्ना सूद ते भी गड्डियां कढ़ाइयां ने, ते किस्तां ते जनाब कमेटियां भी सूद ते पांदे ने। याद रखिए जिन्हें सूद खादा सूद ते रकम नहीं दित्ती उहदा मेरे पैगंबर नाल कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह की कसम उहदा रब नाल भी कोई ताल्लुक नहीं। वड्डे असी मुसलमान बनिए लेकिन अल्लाह अल्लाह इत्थे करिए की के साडा मुल्क भी सूद ते पे चलदा है, साडा मुल्क भी सूद ते बाहरों कर्जे लैंदा है, ते साडे हुक्मरान भी। फिर कहिंदे ने अल्लाह पाकिस्तान ते रहम कर दे, ओए उस मुल्क ते कदी रहम नहीं हुंदा जिहड़ा मुल्क सूद ते पिया चलदा है। दुआ करो अल्लाह पाक सानू सारियां नू कोई चंगा हुक्मरान दे दे। नबी पाक फरमाते ने जिस कौम दे अंदर दो गुनाह हो जाते ने उस कौम ने अल्लाह दे अज़ाब नूं दावत दित्ती है। आप फरमाते ने जिस कौम दे अंदर जानी बंदे ते सूदखोर आम हो जाते ने उस कौम ने अल्लाह दे अज़ाब नूं दावत दित्ती है। 73 ते 74 दर्जे गणाए मेरे नबी ने सूद दे। ये तीन बंदे ने जिन्हां नाल रब कलाम नहीं करेगा। पहला बंदा केड़ा है बेनमाज, दूजा बंदा केड़ा जड़ा नहक लोगों का माल खांदा है। रोको रब का वास्ता जे भैणा दे हाथ
हक दया करो, अपनी बेटियां दे हक दया करो, नहीं तो यह जमीन अपने मोड़ियां ते चुकी फिरोगे। ते तीसरा बंदा सूद खोर है, मेरे नबी फरमांदे ने रब सूद खोर नाल भी कलाम नहीं करेगा। इन्हां 73 दर्जियां चो छोटा दर्जा ए वे जिन्हें सूद खादा है उन्हें अपनी मां नाल निकाह कीता है। जिन्ने सूद खादा हो समझे उन्हें मां नाल बदकारी कीती है। अल्लाह जानदा रोजे भी सारे त्री रखणगे, सूद भी खादी जाणगे, पांच नमाजा भी पढ़। सूद खोर मैं तुहानूं तज्जत गुजार विखाना वा, सूद खोर तो ऐसियां तज्जतां दा कोई फायदा नहीं। जदों शकंजा रब ने चाड़ दिता उदों फिर तेरियां नमाजा भी गईयां, तेरे रोजे भी गए। और याद रखो ना हक माल खाण वाले बंदियां दे रोजे भी कबूल है, जिहड़ा ना हक माल बेटियां दा माल जिहड़े बेटियां ते कब्जा करके बैठा है, ना हक माल खाण वाले दा रोजा भी कबूल नहीं, सहरियां भी कबूल नहीं, अफतार भी कबूल ने। अब देखो ना किन्ना जल्दी जल्दी रमजान जा रहा है। दुआ करो अल्लाह पाक गुण रोजियां दे बेच ही सानू इन गुनावां तो तौबा करन दी तौफीक दे। दिल जख्म जख्म लोगो रमजान जा रहा है, दिल जख्म जख्म लोगो रमजान। अल्लाह पाक रिफ्रेशर कोर्स क्यों करवाया है? कोई बंदा हराम खान वाला हलाल ते लग जाए, कोई बेनमाज नमाजी बन जाए, रब ने कोरस करवाया रमजान दा ते साडा कोरस जारी है। दिल जख्म जख्म लोगो रमजान जा रहा है, करके उदास सबको, करके उदास सबको मेहमान जा रहा है। दिल जख्म जख्म लोगो रमजान जा रहा है, करके उदास सबको मेहमान जा रहा है। का दिल जख्म जख्म लोगो रमजान जा रहा है। अल्लाह पाक को दुआ है अल्लाह कुरान सुन्नत दी समझ अता फरमाए। इंशाल्लाह आइंदा खुतबा ते जुमा जन्नत और जहन्नम दे मौजू ते इंशाल्लाह आखरी अल्लाह पाक दे कोलो तौबा इस्तगफार ते भी होएगा। और दुआ करो अल्लाह इन्हां रोजियां दी घड़ियां च ही अल्लाह सानू माफी नसीब फरमाए। अल्लाह बेनमाज दे अमल तो भी महफूज फरमाए, अल्लाह पाक सूद खोरी तो भी महफूज फरमाए, अल्लाह नहाक माल किसी दे कब्जा करने वाला भी सानू ना बनाए, शरा सुन्नत दा पाबंद बनाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।